सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी कैसे नशा है कि हम आए हुए मुंबई के खार पाली हिल इलाके में। सो गाइज, आज की इस वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं बॉलीवुड हीरो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नया वाला घर दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पूरा एड्रेस के साथ में हम आपको बताएंगे कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का घर कहाँ पर है। और हम आपको बता दें, अभी इस घर में वो शिफ्ट नहीं हुए हैं, अभी ये बन रहा है और यहाँ पे जो ना बहुत ही जल्द वो शिफ्ट होने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ नया वाला घर कैसा है और कितना बन के तैयार हो चुका है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और इस घर की प्राइस क्या है, सब कुछ हम आपको अच्छे तरह से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नया वाला घर। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, फाइनली भी हम पहुंच चुके हैं मुंबई के खार बेस्ट पाली हिल इलाके में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बॉलीवुड के हीरो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नया वाला घर। तो दोस्तों, देख सकते हैं फाइनली जो है ना भाई, हम पहुंच चुके हैं नए वाले घर में। आप देख सकते हैं गाइज, इनका जो घर है ना कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आपको बता दें, रणबीर कपूर के पिताजी का नाम है ऋषि कपूर, माँ का नाम है नीतू कपूर और पत्नी का नाम है आलिया भट्ट। आप देख सकते हैं गाइस, यही है आलिशान सा घर, अभी ये बन रहा है। आपको बता दें, बहुत ही जल्द रणबीर कपूर, माँ नीतू कपूर, पत्नी आलिया भट्ट इसी घर में वो रहेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी आलिशान से यह घर है और मैं आपको मेन गेट की तरफ भी लेके चल के दिखाऊंगा इनका घर कैसा दिखता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं अभी इसमें काम थोड़ा बाकी रह गया है और पूरा का पूरा समझ सकते हैं काम हो भी चुका है। देख सकते हैं गाइस, आसपास का माहौल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। सामने रोड है, यही है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नया वाला घर। दोस्तों, आपको बता दें, इस घर की प्राइस 300 करोड़ रुपए। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का यह नया घर है। इस बिल्डिंग का निर्माण आपको बता दें 3 साल पहले से चल रहा है, लेकिन ये बिल्डिंग अब बनकर तैयार हो चुकी है, थोड़ा काम बाकी है, ये भी काम बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। पहले इस जगह पर ना छोटा सा बंगलो हुआ करता था, लेकिन अब उस बंगलो को ध्वस्त करके अब ये 8 मंजिला सुंदर सी इमारत बनवा दी गई है। यहाँ पर रणबीर कपूर और माँ नीतू कपूर, पत्नी आलिया भट्ट रोजाना यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर अपना काम वगैरह देखने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें, पहले इस जगह पर ऋषि कपूर, नीतू कपूर का एक पुश्तैनी घर हुआ करता था जिसका नाम था कृष्णा राज बंगलो। ऋषि कपूर और नीतू कपूर 1980 में इसी जगह पर एक घर खरीदा था। ऋषि कपूर के माता पिता राज और कृष्णा के नाम पर इस घर का नाम कृष्णा राज बंगलो रखा गया था, लेकिन अब उस बंगलो को तोड़कर ये आलिशान सी इमारत बनवा दी जा रही है, जहां पर आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और नीतू कपूर अपने पूरे परिवार के साथ इसी घर में वो रहने वाली हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी आलिशान सा यह घर है, 8 मंजिला यह इमारत है। यह घर जो मुंबई के खार बेस्ट पाली हिल इलाके में पड़ता है और आपको बता दे, बहुत ही जल्द यहाँ पे वो शिफ्ट होने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं गाइज, यही हो नया वाला घर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का। दोस्तों, आपको बता दें, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की एक बेटी है जिनका जन्म 6 नवंबर 2022 को हुआ था और बेटी का नाम है राहा। तो दोस्तों, देख सकते हैं यही है वो आलिशान सा घर, इसी घर में वो बहुत ही जल्द वो रहने वाले हैं। रणबीर कपूर बॉलीवुड के दुनिया की बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। वह बॉलीवुड में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2007 में से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की और अब भी हमें कई खूबसूरत फिल्में दी। उनके अभिनय कौशल ने उन्हें कई लोगों की पसंदीदा अभिनेता बना दिया गया है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं रणबीर कपूर के बायोग्राफी के बारे में, आपको अच्छी तरह से बता देते हैं। आपको बता दें, रणबीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को मुंबई के एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके दादा का नाम पृथ्वीराज कपूर था और उनके दादा का नाम अभिनेता राज कपूर था। रणबीर कपूर के पिता अभिनेता ऋषि कपूर और माँ अभिनेत्री नीतू कपूर सिंह हैं। रणबीर कपूर की एक बड़ी बहन का नाम है जिसका नाम है रिद्धिमा कपूर, जो पेशे से एक फैशन डिजाइनर है। उनकी चचेरी बहन का नाम है करीना कपूर और करिश्मा कपूर, जो बॉलीवुड की दो प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से
हैं। रणबीर कपूर ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के स्कॉटिश स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज से स्नातक किया। चूंकि उनका मुख्य लक्ष्य अभिनय जीवन में आना था, उन्होंने ली स्टार्टर्सबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। दोस्तों, अगर रणबीर कपूर की फिल्मी करियर की अगर बात करें ना, तो हम आपको बता दें, संजय लीला भंसाली 2007 में अपनी अगली फिल्म सांवरिया में रणबीर कपूर को मुख्य भूमिका को पेशकश करने के जीवन में एक बार मौका दिया। फिल्म में सोनम कपूर और रानी मुखर्जी भी मुख्य भूमिकाओं में थी। साल 2008 में यशराज फिल्म ने उन्हें बचना या हसीनों में मुख्य भूमिका की पेशकश की, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोकोचों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। बचना ए हसीनों की सफलता ने रणबीर कपूर के लिए कई मौके खोल दिए। साल 2009 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई और सभी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। ये फिल्में रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, वेक ऑफ सीड और अजब प्रेम की गजब कहानी। साल 2011 में रॉक स्टार के साथ शुरू हुई, जिसमें रणबीर के साथ किनारे गायक से वैश्विक कलाकार बनने की कहानी शामिल थी। 2015 में अगली फिल्म तमाशा के लिए फिर से रणबीर कपूर के साथ साझेदारी की। फिल्म में रणबीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण ने अभिनय किया। तमाशा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से असफल रही। आपको बता दें, साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म संजू यह बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के जीवन की घटनाओं पर आधारित थी। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने मेथड एक्टिंग का बेहतरीन नमूना पेश किया और संजय दत्त का सटीक चित्र पर्दे पर पेश किया। दोस्तों, अगर रणबीर कपूर की टोटल नेटवर्थ की अगर बात करें ना, तो मैं आपको बता दें, इनके पास 350 करोड़ रुपए है। अगर यहीं पर इनकी कार कलेक्शन की अगर बात करें ना, तो मैं आपको बता दें, इनके पास ओडी A8L, ओडी R8, मर्सिडीज बेंज MMG G63, रेंज रोवर स्पोर्टज, रेंज रोवर ओग, BMW 7 सीरीज, ऑडी Q5, ऑडी A8 है। तो दोस्तों, देख सकते हैं, यही है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नया वाला घर। आपको बता दें, बहुत ही जल्द इस घर में वो शिफ्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर आप हमारे नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें ना, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सो गाइस, आज के लिए ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक लिए ओके बाय।